नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अचानक बारिश होने लगती है और आप नहीं जा पाते हैं? और क्या आपने कभी ये सुना है कि बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया है? और क्या आपकी माँ ने आपको कभी बचपन में ये कहा था कि बारिश में मत भींगो, अंदर आ जाओ? और क्या आपने कभी अपने दोस्तों पर लात घूसों की बारिश की है? और क्या आपने कभी किसी सुंदर लड़की की पिक पर तारीफों की बारिश की है? और क्या आपने कभी किसी को पार्टी या फंक्शन में लड़कियों पर नोटों की बारिश करते हुए देखा है, नोट उड़ाते हुए देखा है? इन सभी सिचुएशनों में हम रेन से जुड़े फ्रेजेस, इडियम्स या फ्रेजल वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि रेन इन, रेन आउट, रेन ऑफ, रेन डाउन, मेक इट रेन। तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं कि किसका हमें कब यूज करना है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ पूछूंगा, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट, रेन इन। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बारिश होने की वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं। मैं अपनी जीएफ से मिलने जाने वाला था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाया। आई वॉज अबाउट टू मीट माई जीएफ बट आई वॉज रेन्ड इन। मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाया। आई वॉन्टेड टू गो शॉपिंग बट आई वॉज रेन्ड इन। इन दोनों सेंटेंसेस में आई वॉज रेन्ड इन इसका मतलब हुआ कि बारिश होने के कारण मुझे अंदर ही रहना पड़ा, मैं बाहर नहीं जा पाया। वैसे अगर आपको ये बोलना हो कि मैं बारिश की वजह से नहीं जा पाया, तो इसका इंग्लिश होगा I couldn't go due to the rain। लेकिन I was rained in बोलना बहुत आसान है, और अगर आप इसका यूज करेंगे तो किसी को यही लगेगा कि आपको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। दूसरा, रेन आउट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना हो कि बारिश होने के कारण कोई चीज रद्द कर दी गई है। मैच को बारिश होने के कारण रद्द कर दिया गया है, द मैच वाज रेन्ड आउट। तीसरा, रेन ऑफ। इसका यूज भी हम तब करते हैं जब हमें ये बोलना हो कि बारिश होने के कारण कोई चीज रद्द कर दी गई है। तो जहां पर हमने रेन आउट का यूज किया है, वहां पर हम रेन ऑफ का यूज कर सकते हैं। मैच को बारिश होने के कारण रद्द कर दिया गया है, द मैच वाज रेन्ड ऑफ। कम इन आउट ऑफ द रेन। इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका पहला मतलब होता है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक बारिश होने लगी, तो आप बारिश से बचने के लिए कहीं अंदर चले जाएंगे। और मान लीजिए कोई बारिश में भींग रहा है और आपको उसे ये कहना है कि बारिश में मत भींगो, अंदर आ जाओ, तो इस सिचुएशन में भी आप बोल सकते हैं कम इन आउट ऑफ द रेन, बारिश में मत भींगो, अंदर आ जाओ। और इसका दूसरा मतलब होता है, सच्चाई को देखो, सच को समझो। मान लीजिए आपकी जीएफ आपको धोखा दे रही है। अब मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि मेरी तो कोई जीएफ ही नहीं है, मैंने पहले ही बोला है मान लो कि आपकी जीएफ आपको धोखा दे रही है और आपका दोस्त आपको आकर ये बोलता है सच्चाई को देखो, वो तेरा यूज कर रही है। कम इन आउट ऑफ द रेन, सी इज यूजिंग यू। रेन डाउन। इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका पहला मतलब होता है बारिश होना, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग डाउन। और इसका दूसरा मतलब होता है किसी चीज की बारिश करना। शहर में बम की बारिश हुई थी, बॉम्ब्स वर रेन डाउन ऑन द सिटी। उसने मुझ पर लात घूसों की बारिश कर दी, ही रेन डाउन किक्स एंड पंचेस ऑन मी, या फिर ही रेन डाउन ब्लोज ऑन मी। मैंने अपनी जीएफ की पिक पर तारीफों की बारिश कर दी, आई रेन डाउन कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई गर्लफ्रेंड्स पिक। सिपाहियों ने दुश्मनों पर गोलियों की बारिश कर दी, Soldiers rain down bullets on the enemy। और हमारा लास्ट फ्रेज है make it rain। इसके दो मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब होता है पैसों की बारिश करना, मतलब बहुत सारा पैसा कमाना। मैं पैसों की बारिश कर दूंगा, I will make it rain। और इसका दूसरा मतलब होता है किसी पर पैसे उड़ाना, किसी पर नोटों की बारिश करना। मैं पार्टी में लड़कियों पर नोटों की बारिश नहीं करता हूँ, I don't make it rain on the girls at party, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। और दोस्तों, रेन से रिलेटेड कुछ idiom और phrases बच गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में।